दोस्तों आज हम बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी बिना ईस्ट बनाएंगे। मैदे में हम थोड़ी सी सूजी डालकर बनाएंगे तो हमारे मिनी पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छे बनेंगे। आज मिनी पिज़्ज़ा हम दोनों तरीके से बनाएंगे, ओवन में भी बनाएंगे और बिना ओवन भी बनाएंगे। आप इस पिज़्ज़ा को बिना बेकिंग ट्रे भी बना सकते हो, तो ये सबके लिए बनाना बहुत ही आसान रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान विधि से मिनी पिज़्ज़ा। नमस्कार दोस्तों, धर्मेश किचन में आपका स्वागत है। मिनी पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम थाली और बेकिंग ट्रे को तेल लगाकर चिकना करेंगे। पिज्जा चीज को भी कद्दूकस कर लेंगे। अब हम मिनी पिज्जा बनाने के लिए डो तैयार करेंगे और इसके लिए छलनी में 2 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालकर छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ही जरूरी है। मिल्क पाउडर डालने से हमारे पिज्जा का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब उसी में 1/4 कप सूजी ऐड करेंगे और सभी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। मिक्स की हुई सामग्री में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, 1/2 कप दही डालकर अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए और रिफाइंड ऑयल की जगह पर आप मेल्टेड बटर या ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा करके 1/2 कप पानी डालकर सख्त आटा लगा करके तैयार करेंगे। आटे को हमें 4 से 5 मिनट तक मसलना होगा। 1 टीस्पून तेल ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए फिर से मसलेंगे। मसले हुए आटे को 2 भाग में बांट लेंगे। आटे का गोला बना लेंगे। अब जहां पर बेलना हो वहां अच्छे से साफ कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़केंगे और पिज्जा बेस को बेल करके तैयार करेंगे। बेस को हमें 1/4 इंच जितना मोटा रखना होगा। अब मिनी पिज्जा कट करने के लिए मैंने यहाँ ग्लास का यूज किया है। आप कोई भी कटोरी या ढक्कन का यूज़ कर सकते हो। कट किए हुए मिनी पिज़्ज़ा को तेल लगाई हुई थाली में रखते जाएंगे। समान विधि से बाकी के मिनी पिज़्ज़ा भी बना करके तैयार करेंगे। और उसे भी बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। इसी तरह से हमने यहाँ सभी मिनी पिज्जा बेस बना करके तैयार कर लिए हैं। फोर्क से मार्क कर लेंगे ताकि बेक होते समय पिज्जा फूले नहीं। यहाँ हम कढ़ाई को 5 मिनट तेज आंच और 5 मिनट मध्यम आंच पर टोटल 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। जब तक कढ़ाई प्रीहीट हो रही है तब तक हम पिज्जा पर टॉपिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पिज्जा बेस पर सैंडविच स्प्रेड लगाया है। आप चाहे तो पिज्जा सॉस या मेयोनीज या टमेटो केचप भी स्प्रेड कर सकते हो। सभी पिज्जा बेस पर थोड़ा थोड़ा चीज ऐड करेंगे और टॉपिंग आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। मैंने यहाँ बारीक कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और उबले हुए स्वीट कॉर्न का टॉपिंग किया है। ग्रीन ऑलिव्स भी ऐड करेंगे और ओरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। समान विधि से बेकिंग ट्रे वाले पिज्जा बेस पर भी टॉपिंग कर लेंगे। थाली वाले पिज्जा को प्री हीटेड कढ़ाई में 25 मिनट के लिए मध्यम आंच पर बेक करेंगे और बेकिंग ट्रे वाले पिज्जा को 200 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। 15 मिनट के बाद हमारे ओवन वाले मिनी पिज्जा रेडी हैं, जिसे बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कि पिज्जा नीचे से भी अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं। और 25 मिनट के बाद कढ़ाई वाले पिज्जा को भी देख लेंगे
कढ़ाई वाले पिज्जा भी अच्छे से बेक हो गए हैं, जिसे बाहर निकाल लेंगे। देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारे मिनी पिज्जा बहुत ही अच्छे बने हैं। मिनी पिज्जा पर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करें और गर्मा गर्म एंजॉय करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।